पंजाब विच कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते दिन लुधियाना के सिविल हस्पताल के दर्जा चार मुलाजम कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद अज डाक्टर स्टाफ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता। सारे डाक्टर हस्पताल स्टाफ कामकाज छड़ के सरकार के विरुद्ध नित्र आए। इस मौके उन्होंने कहा कि जो मास्क सेहत विभाग वालों उन्होंने मुहैया करवाए जा रहे हैं वह बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, किसी भी तरह का वायरस उन्होंने आसानी न आ सकता है। उन्होंने कहा कि वह दिन रात लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, इसके बावजूद सरकार उन्होंने जान नाल खिलवाड़ कर रही है जो कि बर्दाश्त तो बाहर है। देखो पिछले दो महीने तो असं इस काम च इस कोरोना की लड़ाई च लड़ रहे हैं, सानू अज तक कभी भी कोई कमी नहीं आई। बट पहले सानू अच्छा क्वालिटी का समान आ रहा है, बट पिछले अपना हफ्ते डेढ़ हफ्ते तो सानू जो मास्क आने लगे ने जो पीपी किटा आने लगे ने वो घटिया क्वालिटी आने लगिया ने, जिदे करके साडा चार स्टाफ अपना ऑलरेडी कोरोना की चपेट च आ चुके हैं। असं इन्हां मास्क की क्वालिटी के उपर पहला ऑलरेडी चिट्ठी लिख चुके हैं कि सानू यह मास्क जोड़े है सानू मंजूर नहीं इन्हें काम करने की, बट वो उपर हल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बट हूँ जो कि साडा अपना स्टाफ अपने साडे साडे भाई भैन इस बीमारी चपेट च आने लग पे हैं, सानू मजबूरन आके यह भी जो अपना विरोध का रस्ता अपना चकना पिया है। कल का जवान शहीद होंदा ना तो सब तो पहला दर्द वो नाल दे जवान नूं हुंदा। साढ़े चार बंदे नूं कोरोना होया जद उह घटिया मास्क आने शुरू होया, असं दो महीने तो पहरा दे रहे हैं, इतने दिन रात ड्यूटियां कर रहे हैं, अंडर स्टाफ्ड है, कदे कंप्लेट नहीं की, दिन रात काम कर रहे हैं। बट जद घटिया मास्क आने शुरू होया साढ़े चार बंदे इन्फेक्ट हो गए हैं, वो भी इंसान है, साड़ी भी अगर फैमिलीज है, वी कैन नॉट टेक दिस बर्डन। सर हमें सप्लाई चेन के बारे में नहीं पता बॉस, हमें नहीं पता ना, हमारे ना हम परचेज में है ना हमें नॉलेज है इस बात के बारे में। जब पहला चंगे आ रहे थे तो हूँ माड़े क्यों आ रहे हैं? सवाल सिर्फ एक ही है कि हूँ माड़े क्यों दे रहे हो? पहला चंगे मिले थे। अप्रूवल तो सरकार ही देती है ना? सर अप्रूवल्स गवर्नमेंट देती है, कोई प्राइवेट लेके आता है, कुछ भी करता है, हमें नहीं पता सर। हमें ये चाहिए कि ये जो गरीब लोग हैं यार, ये पाँच सात हज़ार में काम कर रहे हैं पीछे मेरे साथ, मेरे हेल्थ वर्कर, ये इनकी फैमिली क्या करेंगी? दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देम। इसमें से चार बंदे हमारे इन्फेक्ट हो गए हैं। कपला शब्द स्कैम या कोई भी चीज गलत हो रही है, वी डोंट नो इट, किसी की अनगेली है या स्कैम किया है या करप्शन है, वी डोंट नो दिस, पर यह है कि यह चीज ठीक नहीं हैगी, इट इज नॉट जस्टिफाइड। इस तरह जे गल करिए सिक्ख्या विभाग की, तो पंजाब विच सिक्ख्या विभाग लगातार स्कूलों विद्यार्थियों को फीसा लैण लई मना कर रहा है। सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन फीस अदा करन दी गल कही जा रही है, परंतु इसके बावजूद कुछ निजी सिक्ख्यक अदारे विद्यार्थियों को लगातार फीस की मांग कर रहे हैं। इस दे विरोध विच अज लोक इंसाफ पार्टी वालों लुधियाना के डीसी दफ्तर अगे कुछ स्कूली विद्यार्थियों नूं नाल लैके जोरदार मुजाहरा किया गया। इस मौके धरनाकारियों ने जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बच्चों तो किसी भी तरह की फीस ना लैण की अपील की, उत्थे ही खून के नाल लिखा एक पत्र भी लुधियाना के ADC नूं सौंपिया गया। जी लोक इंसाफ पार्टी वालों लोगों के हक के मिडल क्लास और गरीब लोगों के जिन्होंने स्कूल माफिया ने फीसा मंगनी शुरू करती पिछले तीन महीने दियाँ, मैं इन्होंने दसना चाहना भी लोग रोटी कपड़ा और मकान मुहताज होए आ, अज लोगों को खाने रोटी नहीं है, राशन चटा नहीं, आ नहीं पता भी रात में रोटी खानी कितों आ और कपड़े पाने नहीं है। दूजे पास जे आपके मकान के खुद असी किराएदार हो चुके हैं मिडल क्लास, क्योंकि बैंक वाले किश्त मंगते नहीं तो नोटिस लाए हैं बाहर आके भी किश्त तो नहीं तो थोड़ा मकान थोड़ा खाली करावे। उत्तों हुण स्कूल वाले नवा काम शुरू करता भी ये फीसा मंगन लगे। कैप्टन साहब और स्कूल माफिया रल के इन्होंने जो फैसला लिया भी तीन महीने की फीस ली जाए, किस भी आपते मंगते ट्यूशन फीस ऑनलाइन जोड़ा स्कूलों ने ज़्यादातर स्कूलों ने पढ़ा शुरू किया मई के अप्रैल और मई अप्रैल मार्च और अप्रैल दो महीने बिल्कुल बंद रहा, बच्चे 12-12 बजे उठते थे ट्यूशन कदों पढ़न गए हो, तो तुम किस चीज़ की फीस मंग रहे हो? अज कैप्टन साहब नूं असीं अपने जो मिडल क्लास के खून है इस करके कैप्टन साहब नूं खत लिखा, कैप्टन साहब थोड़ा तुसीं हैगे शाही खानदान दा, थोड़ा रॉयल ब्लड आ ब्लू ब्लड आ, असीं हैगे मिडल क्लास आदमी, असीं सवेरे मेहनत करांगे तां जाके रात नूं रोटी खावांगे, पर थोड़े स्कूल वाले इस चीज़ नूं सोचदे नहीं है। जिहड़े स्कूलों नूं साडे सिर दे उपर साडियां फीसां दे उपर साडे एक घर दे विचों दो दो बच्चे स्कूलों च पढ़दे आ, एक बच्चे की घट्टो घट 50,000 रुपये एक साल की फीस जाती है, दो बच्चों की 1.25 लाख रुपये फीस जाती है और एक स्कूल के 3,000 बच्चा पढ़ता, तो तुम सुन के हैरान हो जाओगे भी एक स्कूल की एक साल की कमाई 15-20 करोड़ रुपये तक होंगी है, ये किसी को पता ही नहीं है, तो साढ़े पैसों के बिल्डिंगा खड़ी करते हैं, तो तुम्हें वो तुम्हें 3 महीने का किराया 3 महीने का असी अपना जरा फीस छड़न कह रहे हैं, तो थोड़ा उस भीड़ पै गई है।